वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बड़ा ही सही कैंपिंग स्टोव जो कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो बड़ी आराम से, और उसके साथ ही मैं दिखाने वाला हूँ उसमें यूज होने वाले सिलेंडर्स। तो चलो शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई अभी मेरे सामने पड़ा है एक कैंपिंग स्टोव और उसके सिलेंडर्स तो जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। सिलेंडर्स को हम साइड पर रख देते हैं और इसके अंदर ये पहले आप चेक कर लो, कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग आएगी। और ये देखो अंदर बड़ा ही सही तरीके से इसको पैक किया गया और इसमें कैरी बैग भी मिलता है जो कि आप इजीली फिर इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और बहुत ही छोटा सा ये देखो भाई, आराम से हाथ में आ जाता है, इसको कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो। तो चलो इसको ओपन करते हैं। इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये रहा भाई, इसको देखो रख देते हैं। इसकी क्वालिटी भी बड़ी सही है जो इसके साथ ये बैग मिलता है, तो क्वालिटी वाइज ये भी बड़ा सही होता है। और ये रहा भाई, इस तरीके का कुछ दिखने में है। तो अभी मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ करके कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये ऐसे प्रॉपर खुल जाएगा चारों तरफ से, और इसके नीचे स्टैंड भी दिए हुए हैं क्योंकि इस तरीके से हम खोल लेंगे। तो भाई ये देखो, इसको रखो यहाँ पे। तो ये है भाई आपके सामने ये स्टोव, बड़ा ही यार है ना छोटा सा मिनी स्टोव है ये। आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, अगर आप कहीं ना लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी आप साइड पे कार पार्क करके वहाँ पे कुकिंग करना चाहो, कुछ भी कुक कर सकते हो। और इसके ऊपर बड़ी आराम से अच्छे तरीके से कोई भी एक है ना पैन आ जाएगा जिसमें आप कुक कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ जो कि सिलेंडर्स मैंने अलग से मंगवाए हैं, वो आप किसी और कंपनी के भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैंने जो कंपनी ऑर्डर की है उसका नाम है हंस। तो काफ़ी चेकआउट करने के बाद मैंने इसको ऑर्डर किया है क्योंकि एक और कंपनी भी आती है उसके मुकाबले हंस मुझे बेस्ट लगा और इसके रिव्यूज अच्छे लगे और अमेजोन पे भी इसके रिव्यूज बेस्ट थे। चलो वही आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग आएगी जिसके अंदर चार सिलेंडर होंगे, एक मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है ये देखो। तो पैकिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छे तरीके से पैक्ड आएगा। और चलो अभी आपको इसको साइड पे रख के ये दिखा देता हूँ। तो ये रहा भाई हंस सिलेंडर, ये देखो। और इसके अंदर जो सब कुछ मेंशन भी करा हुआ है इसके ऊपर जो जो इसके अंदर है, ये 15% प्रोपेन, आइसोबुटेन 22% और एन बुटेन 63%। तो इसको बुटेन सिलेंडर भी बोलते हैं, बुटेन मिनी सिलेंडर, जो कि आप इन छोटे छोटे है ना कैंपिंग स्टोव में यूज कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं इसको इसमें लगाकर और देखते हैं वर्क कैसे करता है। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ही लगाने वाला हूँ वीडियो पे भी, और अभी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसको लगाना कैसा है। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ और होप करता हूँ अगर कोई किसी ने ऑर्डर किया है तो वो भी इस वीडियो को देख के उस चीज को सीख लेगा, है ना। तो एक और चीज मेंशन कर देता हूँ भाई, इसमें लिखा हुआ है इसका नेट वेट है एक सिलेंडर का, वो है 235 ग्राम और 500 मिलीलीटर वॉल्यूम। तो इस पे जगह जगह उन्होंने वार्निंग भी दे रखी है, एक्सट्रीम डेंजर, डेंजर एक्सट्रीम। तो भाई थोड़ा सेफ्टी के साथ ही यूज करना और बच्चों से इसको दूर ही रखना। तो चलो शुरुआत करते हैं और इसको देखते हैं इसके अंदर फिट करके। तो इसमें प्रॉपर ये फिटिंग एरिया इसमें दे रखा है और ये नोब दे रखी है गैस को कम ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ पे एक ये लैडर भी दे रखा है जिसकी मदद से आप इसको चला सकते हो। तो इसको मेक श्योर रखना कि यार ये अभी बंद हो जिस टाइम आप इसको लगा रहे हो। तो सबसे पहले इसको हम खोल देंगे, ये खुल गया और ये कुछ इस तरीके से है। और हमने इसको इसके अंदर फिट करना है, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने ना ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे देखो सांचे दे रखे हैं, यहाँ से एक कट दे रखा है इसके अंदर ही सिलेंडर के अंदर, और ये कट यहाँ पे इस जगह पे फिट होगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा अलग से। तो चलो देखते हैं ये लगता है किस तरीके से लगता है। तो बड़ी सेफ्टी के साथ इसको लगाना भाई। तो भाई ये फिट हो गया है और ये कुछ इस तरीके से फिट होगा। जब आप इसको लगाओगे ना तो आपको साउंड आएगी है ना गैस लीक करने की, वो सिर्फ एक लगाते टाइम थोड़ी सी आवाज आती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना वो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका लाइटर बिल्कुल ऑन ना हो, है ना, और एकदम से आपने इसको यहाँ पे ऐसे स्टक कर देना है। अब देखो अब ये कहीं नहीं जाएगा, प्रॉपर तरीके से लग चुका है। और ये जो नोब है इसको हमेशा ट्राई रखना कि कभी भी इसको इस पर लगाते हो तो ये जीरो पे ही होनी चाहिए। तो अगर ये जीरो पे होगी तो आपको कोई साउंड नहीं आएगी, आप स्मेल करके भी देख सकते हो
बिल्कुल भी अभी यहाँ पे कोई भी गैस लीकेज नहीं है, और आप साउंड से भी पता लग जाएगा आपको, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो साउंड आ रही होगी, ये भी आपको ध्यान से सुनना भाई साउंड, अभी ये बिल्कुल बंद है, और अभी साउंड सुनना। तो इस तरीके से आपको ना साउंड आ जाएगी, तो कोशिश करना इस नॉब को हमेशा बंद रखना जब भी आपने इसको लगाना है। तो अभी हम देखते हैं इस गैस को चला के और इसको है ना बंद करके कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक लैडर दे रखा है, ये देखो इस लैडर को यहाँ से चला के कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है, और उसके बाद हम मैं इसको स्टोव को जलाऊंगा। तो अभी बिल्कुल जीरो पे है, ऑफ है, अगर अगर मैं लैटर जलाऊंगा तो कुछ नहीं होएगा। तो अभी मैं लैटर जलाता हूँ और ये देखो लैटर जल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी गैस लीकेज नहीं है। और चलो अब इस गैस को थोड़ा सा आपको मैं चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऑन करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो भाई देखो हमारा गैस जल गया है, और इसकी आप फ्लेम देख सकते हो कितनी हाई फ्लेम पे जलता है। तो आपके सामने है भाई, कोई गैस लीकेज नहीं है, और इसको आप इस तरीके से हाई और कम कर सकते हो इसकी नोब से। तो इसको आप ऐसे बंद कर दोगे। तो मैं आपको एक ना नॉर्मल इस पे पैन रख के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, और इस पे कितने तरीके का यहाँ पे पैन आ सकता है बड़ी आराम से। तो अभी हम इस पे पैन रखते हैं। तो मेरे पास ये नॉर्मल एक पैन पड़ा है, जो कि है ना हम सबके घरों में होता है, और इसके मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो बड़ी आराम से भाई इस पे ये पैन टिक रहा है, और आप कुछ भी कुक कर सकते हो। अभी आपको मैं जला के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो बंद है, और थोड़ा सा इसको ऑन करेंगे और गैस जलाएंगे, और हियर वी गो, कुछ भी आप ऐसे कुक कर सकते हो। तो भाई होप करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप कोई प्लान कर रहे हो कैंपिंग के लिए एक छोटा स्टोव लेने के लिए, तो आपको उसका आंसर मिल गया होगा। और रही बात भाई इसके प्राइस की, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो इस स्टोव के प्राइस मुझे पड़ा है 520 रुपीज़, और जो ये गैस के सिलेंडर है, बुटेन सिलेंडर है, जो कि 4 पीस आते हैं, ये मुझे पड़े हैं 730 रुपीज़ के। तो कुछ इतना ही आपको पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है अमेजोन पे, लेकिन जो इसका प्राइस है वो इतना ही है। तो इस प्राइस पे भाई आप है ना अमेजोन से इस चीज को बाय कर सकते हो। तो भाई कैंपिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट स्टोव है ये, छोटा है ना, कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो, पोर्टेबल स्टोव है। और मिलते हैं अभी आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है, अगर आप है ना कैंपिंग को, तो अगर आप सर्च कर रहे थे कि आपको कौन सा स्टोव चाहिए, तो चलो कमेंट करके बताना, और बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन। Looks like you lost another one.